मेरे अंदर भी क्या शक्ति है क्यों भैया। हाँ और आज वो पिक्चर देखा पूरी बजरंगबली वाली फीलिंग आ रही है। काय की पिक्चर थी रे? काय की नहीं थी, साउथ मूवी थी वो, साउथ पिक्चर। पूरे सनातनम धर्म की उनने पूरे धज्जी उड़ा दी है। सनातनम नहीं है, सनसनाता धर्म है। हाँ हाँ वही वाला। तेरे को भी आता ले, ढगल ढगल ना। आदमी लुंज पड़ गया पूरा पिक्चर देख के। आदमी को एकदम ताकत, जोश और नया अंदाज आता है। तो साला तो ये पिक्चर देख के तो आदमी का दिमाग खराब हो गया, पूरा शरीर का। इतनी अच्छी पिक्चर, डायलॉग नहीं देखा उसके? खतरनाक खतरनाक थे पूरे। कौन सा डायलॉग की बात कर रहे? हनुमान जी का वाला डायलॉग। कौन सा? वो कपड़ा भी तेरे बाप का, और क्या था, तेल भी तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, और जलेगी भी तेरे बाप की। ये डायलॉग आज की जनरेशन को देखते हुए पिक्चर बनी है भैया। अरे आज की जनरेशन वो साला, पर उसके बाप की जलेगी क्या, यही तो समझ नहीं आया पिक्चर में। ये समझ नहीं आ रहा था वो जला क्या रहा था, उसके बाप ये लंका जला रहा था कि अगर वो रावण को देखा। ले ले ढगलते भी जा। हाँ, हाँ। देखा बिल्डिंग कर रहा था बटा। आए मुखोटा पहना, मैंने कहा बिल्डिंग मशीन लाया कहाँ से होगा उन्हें बिल्डिंग मशीन। क्या मालूम भाई कैसी कैसी पिक्चर बना, जमाने में रही होगी रावण भरा आदमी था वो। अरे हमारे जमाने की रामायण नहीं देखा तूने? तू रामायण के जमाने का है? अरे जब हम छोटे छोटे थे ना। तो मैं कितना बड़ा था? तो बड़ा था मैं जब, है ना। रामानंद सागर की रामायण उठा के देख लो अभी भी। मालूम वो था, लगता था स्वयं राम भगवान, लक्ष्मण जी, सीता मैया, हनुमान जी, ऐसा लगे कि साक्षात हैं करके। पुराना जमाना था भैया, नया जमाना है। रहने यार, चल भगा। इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें तो ऐसी तैसी और कमीना कुत्ता साला वाली गाली चलेगी, देखना तू। तू रहने रे। अरे लेगा रहने फालतू में। ऐसी पिक्चर बनने लगी ना तो आजकल सब बिगड़ जाएंगे, खाक हो जाएंगे। और सरकार इतना समझा रही है, पंडित संत महात्मा समझा रहे हैं ना, सनातन धर्म। सनातन नहीं है लगा? अरे तो संस्कृत में बोलता हूँ ना यार। सन सनाता धर्म ऐसा बोल। अबे सन सनातन है बे, सन सनातनम संस्कृत भाषा। सनातनम नहीं है। चल चल वो साइकिल भी देना है वो काका की। अरे दे देंगे ना, किराया ले लेंगे ज्यादा ही तो। बट वो अभी नहीं देखा है आजकल के लड़का लड़की कैसे छोटे छोटे कपड़े पर कैसे अनाप शनाप बोलते हैं। बट उनको इनके माँ बाप नहीं देखते होंगे क्या इनको, है उल्टा सीधा बोलती है। लड़कियों को शर्म आना चाहिए तो जान देना। अरे आत्मा खबरा खबरा जैसे लगती है मेरी, तू क्या बताएगा यहाँ पे। तेरे को लेके जान दे, तू मेरे को मार देगा नहीं। तू दिमाग खराब करके रख दिया वो पिक्चर ने, बड़ा शौक से गया था। पिक्चर कुछ मत बोलना का, एक नंबर पिक्चर थी वो। एक नंबर थी बे, एक नंबर थी। ओह नो, दिमाग खराब मत कर रहे सोनिया, नहीं तो क्या कर लेगा। साइकिल में भी ढकेल लेगा, तू ढकेल अब, ज्यादा ही हो गया दिमाग खराब कर रहा है। घर भी आ गया है पास में, मैं पैदल चले जाऊंगा। ढकेल लेगा अबे, चल लेना का। शर्म नहीं आती बड़े भाई से साइकिल ढकला कर। और पिक्चर के बारे में बोलना मत। हाँ घर जात तक नहीं बोलता मैं, नहीं तो वो भाभी बहुराएगी मेरे को, ले गए कहेगी। अबे अच्छा हो गया, फालतू के पैसे नाश होते और कुछ नहीं। पैसे नाश होंगे टीवी की इतनी आवाज अपने यहाँ पटली देख रही होगी। हाँ तो पिक्चर दिखाने नहीं ले गए, घर में देख रही होगी। तू झगड़े का धन मत लगाना का, पहले जो बता रहा हूँ मेरी सारा बाप उसके मारे सरक गया है मेरा भी। घमोरे ने भी बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया है यार, खुजा खुजा के परेशान। अरे कब से पिक्चर देखने गए कभी तक नहीं आए हैं। क्या है कितना खोजाऊं क्या रे, स्टूडेंट टाइप बैठी है। हां भाभी राम राम। मोटा बांगा घर के घर में कोई राम राम लेता है क्या? कब से गए थे तुम? बांग तो लंबी पिक्चर है वो। अच्छा कैसी लगी पिक्चर? रोड भर की पूरी थी क्योंगा। अबे कैसी लगी तो? अरे काय की पिक्चर, इसको उसमें क्या दिख गया, एक नंबर एक नंबर एक नंबर। सीता जी कितनी सुंदर थी देखा नहीं क्या? अरे ऐसी कोई सीता जी बनती है क्या बे? राम भगवान की बाटी देखा था। तुम एक काम करो, दोनों पकड़ो और कुश्ती खेल लो, पर मेरे को मत बताओ ऐसे झगड़ा कर करके। बिल्कुल इधर से बोल रहा फिर इधर से बोल रहा, झगड़ा करोगे क्या तुम? अरे झगड़ा नहीं गा, पिक्चर भी तो वैसे लाइक के होना चाहिए। ऊपर थी पूरी टाकी का पर्दा लगा था सफेद। इधर सुन हाँ। अपन छोटे छोटे थे, तू भी देखी होगी तेरे मायके में। हाँ। अच्छा रामानंद सागर की रामायण देखी है? उसको तो बिल्कुल भगवान ही जैसे हैं जी, वो तो जी है क्या नहीं बता। हाँ, 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 हाँ। अभी के रावण बना था तो
तो वो बटा बिल्डिंग करे। ये लंबी दाढ़ी थी है? मैं तो ना, मैं तो उसको जाते बरोबर ऐसे के सलाम वालेकुम करने वाला था। अच्छा, और वो राम लक्ष्मण की भी दाढ़ी है, हनुमान जी की है ना, हनुमान जी वो कौन सा वाला डायलॉग रे? वो वाला था का, कपड़ा तेल हुआ राग वाला का। हाँ, वो क्या कहा है? हाँ, कपड़ा भी तेरा होगा। कौन बोल रहा था? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप हाँ। का, आगी तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की। सब तो समझ आया, पर क्या जलेगी वो समझ नहीं आया अभी तक। तुम बोल क्या रहे हो? किसने बोला था ऐसा? अरे हनुमान जी से बुलवाए हैं। हनुमान जी से बुलाए हैं ऐसा? किसको? रावण को। राम भगवान ने बुलवाए। राम भगवान ने बुलाए किसको? तो अरे हनुमान जी को लंका भेजे थे। तेरे भी समझ में नहीं आई? अरे वो एक क्या इंग्लिश में कहते ना, एक भी एंगल से देखने लायक की नहीं है। अभी ऐसी पिक्चर बना रहे हैं बटे गोवर्धन नादगीन है, साला पूरी जनता बिगड़ के नाश हो जाएगी, पूरा धज्जी उड़ा रहे हैं सनातनम धर्म की। फेमस होने के लिए ना, कौन सा धर्म जी? सनातनम धर्म। मैं संस्कृत में बोल रहा हूँ। हाँ। सनातनम जो धर्म है हाँ। वो संस्कृत में, पहले संस्कृत और हिंदी चलती थी, पहले के भगवान जी संस्कृत, फिर राजा महाराजाओं ने थोड़ी हिंदी लाए उसको है, अभी कहाँ इंग्लिश। ये जब से इंग्लिश आई है ना, पूरा देश बर्बाद हो रहा है। मॉडल जमाना, मॉडल। अरे काय का मॉडल, सब रही खत्म होने लगा है। हाँ। ये इसको बड़ा पसंद आया, वो एक नंबर का। उनकी बॉडी जो थी मेरे से थोड़ी कम थी बस। हाँ? राम भगवान की बॉडी। हाँ, और ऐसा राम भगवान ऐसा लगे कि चाइना के राम भगवान होंगे। हाँ नहीं जी, ऐसा मत बोलो जी, पिक्चर बना रहे। वो कोई सारी पिक्चर है क्या? वैसी 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 बना दी होंगे, लेकिन राम भगवान, राम भगवान है। अरे मैं कहता हूँ भगवानों को तो ढंग से दिखाओ। अच्छा, अरे लोग बाग आजकल ना कुछ भी भलते ही करने लगे हैं, कुछ हाँ, भी। और वो जल्दी वायरल भी हो जाते हैं। हाँ, अरे मैं उस दिन रील देख रही थी, ऐसे ऐसे बना बना के डाल रहा था वो लड़का, वो टेनपा वहाँ। लड़कों को आरोप मत लगा, लड़कियाँ कम नहीं है, बता रहा हूँ मैं। अरे तो, और उनसे ज्यादा तो शर्म उनके बाप माँ को आना चाहिए। अरे अपनी बेटियों को छूट दे के रखे हैं, सारा मुँह ऐसा खबरा है जैसे लगता है मेरा। अरे सुनो तो, कैसा रील बना रहा था कि हिंदू लड़की अपने जात से प्रेम करो, दूसरे से नहीं तो जगह दिल में मिलेगी, नहीं तो लाश को उसमें मिलेगी, फ्रिज में मिलेगी, ऐसा करके बोले। और उस दिन मैं बरघाट नहीं गई थी का बाजार, सीटी मार रहा था लड़की को वो टूरा। कौन हो? वो वहाँ का बरघाट का लड़का। अच्छा, तो लड़कियाँ काम है क्या ऐसी चटक मटक चटक मटक? ये थन्ने कपड़े पहन के चलेंगी तो किसकी नियत नहीं डोलेगी। अच्छा मेरे को बात समझ में नहीं आई, आजकल की लड़की ने जादू कहाँ सीखी? जादू की बात नहीं रे, मैं कितने इतने कपड़े पहन के यहाँ से घूमेगी तो तुम क्या उसको निहारोगे, उसके टांगन को क्या? नहीं का, आजकल की लड़कियाँ जादू सीखी है, मैंने देखा हूँ रील में, ऐसी मतलब ऐसा गाना चलता है, ऐसे ऐसे कपड़े इनको करती हूँ, ऐसे करती हूँ तो पट से चेंज हो जाते हैं। और छोटे छोटे पूरे देखी ने कई कई अपन, ये देखो कैसा कर रहा है ये बालिया को, तब देखो बालिया मत बोल। अपन एक दिन रात में थूक लटका है मुंह में, रुकना। एक दिन रात में अपन रील देख रहे थे क्या? नहीं, अचानक वो लड़की कैसी बोल रही थी लड़कों को उठ पटांग शब्द, साला मैंने आज तक तेरे को नहीं बोला और तूने मेरे को नहीं बोली। नारी शक्ति है ये, तुम नहीं समझते, नारी शक्ति होगी। अरे लेकिन क्या कर रहे हैं साला, ये देश में मैंने एक चीज देखा, पूरी हर चीज में राजनीति घुसेड़ दिए हैं, और वो राजनीति के चक्कर में मालूम है पूरा देश बर्बाद हो रहा है। का मालूम, तुम ही समझो जी, मेरे को नहीं समझ में आता ये सब। मेरा बस चले ना छपा छप दे लड़कियों को बैठाल बैठाल के। हाँ, साला, जब भी देखो तो मुद्दे बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, वो कवावत है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम है चारों भाई भाई, कहाँ से दिखता है? ये पक्ष वाला उसको छीलेगा, वो पक्ष वाला इसकी छीलेगा, सब जगह राजनीति घुसड़ दी है। ये गलत करते हैं जी, और इनके चक्कर में पूरी जनता पिस रही है। अच्छा, राजनीति की बात मत करना, भग जाऊंगा, मेरे को जमती राजनीति वाली बात। मेरे को एक बार कोई प्रधानमंत्री बना के देखे, मैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दूंगा मैं। अच्छा, एक बार बना के तो देखे मेरे को, और ये सब चीज नहीं चलेगा मेरे सामने में। हाँ, कि लड़की ऐसी घूम रही की वैसी। हाँ, एक हाथ मुसलमान इनकी लड़की है, वो अभी एक आई थी, क्या नाम है उसका, उर्फी जावेद। हाँ, है? हाँ,
अरे मैं कहता हूँ तुम किसी भी कौम से हो, किसी भी खून से हो, किसी भी धर्म से हो, भाई नारी को हमारे भारत देश में सम्मान दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने भी पल्ला डाल के लड़ाई लड़ी थी बेटे को पीछे बांध के और तलवार डाल देती थी, बहुत खतरनाक थी वो भी, मालूम है उसको फेमस होने का नहीं, उसको उस समय फेमस नहीं देश के लिए मर मिटने का रहता था। अभी के तो साले समझ में नहीं आता मेरे को, हमारे ये हिंदुओं में भी समझ नहीं आता। पहले सन सनातनम धर्म ऐसा, अरे सनातन सनातन धर्म, पहले घर में मेहमान आए तो लोग बाल्टी और लोटा में पानी ले जाते थे, हाथ पैर धो लो जी, आओ जी बैठो। अब तो मेहमान आया तो कहते हैं कितने देर रुकोगे, हमको थोड़ा काम था, तुम बैठो हम आते हैं। शादी में भी देखी साले ये सनातनम धर्म चलाएंगे ये, सुनो तो सनातन नहीं है सनातन, अरे मेरे को सनातन बोलते हैं रे, कुछ का कुछ बोल रहा हूँ दोनों के दोनों भाई। अच्छा हो गया दूसरी पढ़ी है ना, तो तू तो अभी दूसरी पढ़ूंगी, दसवीं पढ़ी जाता उसी आरी मत मार तू, नहीं तो भैया से फिर भी कम है, आए वहां से थोड़ी कम है, फाइल हो गई थी मगर पढ़ी तो हूँ। जाए गिलास पानी ला मेरे लिए, फ्रिज का लाना है एक बार, बड़ा तोप बड़ा तोप मार के आयो उधर से, तुम्हारे लिए पानी लाऊं बिल्कुल ठंडा ठंडा। अच्छा अरे कहाँ जा रहे हो भैया, अभी रुको जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ लाइक कमेंट शेयर सब करना है, और ऐसे आधी अधूरी वीडियो छोड़ के मत जा, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, क्यों हाँ ना ठीक है बढ़ो आगे, मत देखो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, बता रही हूँ वही लाल वाला को दबा देना, जाओ जल्दी, ठीक है जब तक हम कचरा नींदते हैं आप वीडियो देखो। जय श्री राम, जय श्री राम भगवान, जय श्री राम। अरे यहाँ तक ठीक है, साला समझ में नहीं आता, पर देख रहा देख सोनिया तू पढ़ा लिखा है, हाँ, ना बहुत पढ़ा लिखा है। अबे बहुत की छोड़, बहुत अगर तुम्हारी वजह से वापस आ गया था, तुम अभी नहीं समझे तो पूरी जिंदगी भर नहीं समझ सकते। अच्छा ये आराम धर्म के चक्कर में लोगों को जात पात करके लड़वा रहे हैं, है? धर्म के चक्कर में मामला गरम है, मैं कहता हूँ कोई किसी भी धर्म का हो अपने हिसाब से जीने दो ना उसको, यार हाँ गलत करता है तो कोर्ट बनी है सजा देने के लिए। अच्छा है? और क्या? सब विभाग बांटे गए हैं ना, किस लिए नहीं, पर किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराते जी कोई, क्यों? जो धर्म में है तो रहने दो, रहने दो, वो उनकी मान्यता है, वो अच्छे से उनको मान रहे हैं तो मानने दे, घर में कुछ भी करे अपने को क्या करना, नहीं रे ऐसा नहीं है, पूछना परछना अपना जिम्मेदारी है, गांव के लोग हैं तो सही है, लेकिन जो पहले अभी तू तेरे को क्या मालूम, पहले गांव में सब जाति के लोग ऐसे बैठ करके चर्चा करते थे और मजाक से एक दूसरे को बोल देते, तू क्या बताएगा धाकड़, तू क्या बताएगा महरा, तू क्या बताएगा गोंड, बोल देते थे क्या नहीं, और सब खुशी से। अभी तो एक हाथ को बोल के देखो घर चढ़ते आते रे भाई, मालूम हमारे को तूने ऐसा कहा करके, ओ डीमर जा रहा है ऐसा करके बोलने तो, अरे बाप बोलने पाप तो, अभी ये राजनीति तो है ना, है? सब जाति के सम्मेलन हो रहे हैं, क्या वहां पे अपने जाति से बात नहीं कर सकते तुम, तो काय का सम्मेलन कर रहे हो यार, पवारों का सम्मेलन होता है तो पवारी में बोलना चाहिए ना, पवारी में कार्यक्रम देना चाहिए, महार समाज में होता है तो उनकी भाषा में बोलना चाहिए, आदिवासी समाज में होती तो उनकी भाषा में, हिंदी नहीं तो इंग्लिश, चलिए इंग्लिश को तो ऐसा लगता है कहीं मिलती थी दार को जूते जूते मारता मैं, चले गए ना वो इंग्लिश वाले पर छोड़ गए तो मैंने कहावत बनाया था हिंदी की चिंदी उर्दू का नगाड़ा अंग्रेजी की ऐसी तैसी पूरे देश को बिगाड़ा। अच्छा अच्छा तो सही होती है, नहीं जी तुम्हारे पास बहुत दिमाग है जरा, तुम बहुत अच्छा सोचते हो मालूम, तुम्हारे जैसे सोचने वाला अगर सही में प्रधानमंत्री हो जाए पानी ला तो बहुत अच्छा, और वो कहाँ है अपने यहाँ का बांगा पानी लो, क्या वो बांगा कहाँ है अपने यहाँ का बांगा, अरे बाबिया रे, अच्छा वो तेरे अंदर भी मेरे को लगता है अभी का पूरा वो खेलने के लिए गया था, पानी ला एक बार फेना लाओ हमारे। अच्छा तुम तो तोप ढक ले हो ना, बता कर रही हूँ ये ला वो ला, बस ये डेंग 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 तुम्हारा। उसको बताना मत कि भाभी तेरे को जो 1000 मिले थे लक्ष्मी लाडली वाले उसमें पिक्चर देख के आए गए थे, तू ही तो बताता है लाडली लक्ष्मी वाले लाडली बोले मत क्या हो गया भाई, कानो कान समझाओ ऐसा मत बोलना, हाँ तुम्हारा तो अच्छा है बिल्कुल, पानी मंगाओ और भाग जाओ, लगा पानी अरे भाग रे दे दे उसी को दे, काम करके आया होगा थका आ रहा जैसे मेरे को पानी दे कह रहा है, काम ही करके आया हूँ, काम करके बार कौन था कौन मारता। अच्छा बाकी के वो बड़ा ज्ञानी हो गया तू तो, होगा
पार कोंटा कर रहा है बिन मौसम बरसात, देख रहे हैं तुमको मजा। अरे झूठ भी इतना बोलो कि जो पच जाए। ये तो क्या बताऊं तुम लोगों को, समझा समझा के ना पागल हो गए होंगे। अच्छा जब पार कोंटा मारा बोल रहा हूँ ना। अबे पार कोंटा नहीं मारा होगा रे, वो मट्टी डाला होगा पार के ऊपर। हाँ मट्टी डाला जो पार भी है। पलाने गया होगा पार पलाने। मैं कहा ना दिनों दिन सब बिगाड़ने लगे हैं। अरे ये न्यू जनरेशन है ना। अरे तेरी इंग्लिश फिर तू मेरे सामने मत बोलना नहीं तो बेजा मार मारूंगा मैं। ले जी महक ने सिखाती है, जरा जरा सिखा रही है वो भी मेरे को। उसको भी बोलना वो भोपाल ओपाल से आ जाएगी, कोई मतलब नहीं है पढ़ाई लिखाई करने का। अच्छा पढ़ाई ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अरे तो पढ़ाई से संस्कार मिलना चाहिए इन लोगों को, तो ये क्या ऊटपटांग चीजें। अरे तो जगाने की कोशिश करो लोगों को। अच्छा आए, लड़कियों को सिखाओ। किसके घर जा जाके बोलूंगा, एक को बोला था तो कहा हमारे बच्चे कैसे ही हुए तेरे को क्या मतलब का है। नहीं तू गलत बोलता है, मेरी बहन कलेक्टर बनेगी, कलेक्टर IAS की परीक्षा दे रही है। अरे हाँ बने, मैं भी कहता हूँ कि बने अच्छी बात है, पर ऐसा संस्कृति भी तो कोई चीज है क्या। नहीं यहाँ की महंगी देंगे सूट बूट देंगे, वहाँ भी रहती है तो सभ्यता से रहती है। तुमको क्या मालूम, तुम नहीं रहते जब चड्डा पहनती थी यहाँ पे। अरे तो अभी छोटी थी घर में ना यार, सब ऐसे लब 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 चाटने। लेकिन मैं तो अब सबके सबके घर जा के बोलूंगी, तड़तड़ा देगा अब। मेरी बहन के बारे में ऐसे बोल रही है। अरे आज मैंने बोल दी, अब गलती हो गई ना, अब मैं सबको सिखाऊंगी जाके सबको बताऊंगी। ऐसा बोल सबको, कहाँ गए थे तू? अरे पिक्चर देखने गए थे यार, पैसे ही नाश हुए साले। वो आदि मानू। हाँ। अच्छा काय की गए थे? काय की पिक्चर है तो ऐसा लगे कि चाइना से लाए होंगे राम भगवान, हनुमान जी, लक्ष्मण जी और रावण को। मेरे को सुनने में आ रहा है कि राम जी की दाढ़ी थी, कहते राम जी की, लक्ष्मण जी की, और वो रावण तो बटा बिल्डिंग कर रहा था, बिल्डिंग यहाँ वो लगा लिया था ना। दाढ़ी भी उग गई होगी उस समय में, नहीं उगी थी राम भगवान की, अभी उग गई होगी, तुम्हारे उग गई तो। IT किया है रावण ने। हाँ पूरी फुल डिग्री ले लिया उसने। हाँ भाई ऐसे ऐसा साला सोच के भी साला हंसी आती है। अच्छी फिल्म थी, मतलब ऐसा लगता है मेरे को। मत देखने जाना रे, फालतू है सब बिगड़ने के लक्षण है। मैं तुम्हारे जैसे थोड़ी ना कहा। साले भारत की संस्कृति को बेच रहे हैं भोसड़ी के कुछ। लेकिन के कुछ धीरे, दिखा धीरे, धीरे धीरे ना भारत में ना बहुत समझदारी आने लगी। कुछ नहीं आ रही, बिगड़ रहे हैं दिनों दिन लोग। अच्छा और ये फालतू की EBTB सब साली को फोड़ फाड़ करता हूँ मैं, साले आराम खोर कहीं के। और सुन तो आजकल के, मेरे को सुनने में आ रहा है पेपर में छप रहा है बरघाट, सिवनी, बालाघाट, वहाँ के छोटे छोटे छिटुर रहे सात सात आठ आठ नौ नौ 15 साल के बच्चे ऐसे गुंडागर्दी दिखाते, गैंग लेके घूमते। मैं तो बेटे के कनपट्टे पे दूंगा ना तो पूरे के पूरे कनपट्टे में दोगे, इकट्ठे ऐसे घेरते हैं, देखी हूं मैंने भी। हां जरा उनको अपने जैसे मर्द से पाला नहीं पढ़ाने तो बताया रहता फिर मैंने। नहीं तुम मेरे को पता है जी, तुम बाहुबली बजरंगबली हो, तुम बजरंगबली जैसे नहीं हो सकता मैं। नहीं ताकत ताकत, पर भक्त हूं उनका मैं। ये गई थी, इसका भाई सूटा था कहते हैं। वो सब चीज छोड़ो, दुनिया कुछ भी करे है ना, और कहीं भी जाए, हमको अपने धर्म से चलना है, है ना, अपनी संस्कृति को बचाना है। ये आज से प्राण करो ला, हद दे हद दे हद दे हद दे ना। हम प्राण करते हैं कि हम हिंदुस्तान के पावन धरा में रहते हैं, पावन धरा में रहते हैं, और हम अपने देश के लिए अपनी संस्कृति को बचाएंगे, हम अपनी संस्कृति को बचाएंगे और अपने सनातन धर्म को लेके चलेंगे। हम सनातन धर्म, सनातन नहीं है वो बांगा भी, सनातन नहीं है। आज तुम तो बड़ा अच्छा बोल रहे थे बता रहे। अरे सुन तो गा, सनातन धर्म को बचाए रखेंगे। हाँ। बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। चलो अपने अपने करो काम, यहाँ ज्ञान बांटेंगे बटे। बांगो।